गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाली जोशी। देखिए, जैसे मैंने आपको लाइव फाउंडेशन के पहले क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और इससे पहले मैंने लाइव क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग के सारे जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग, चाहे यूडीसी का हो, डीडीसी का हो, ट्रिपल सी का हो, सीसी का हो, एसीईआरटी का हो, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने का, क्योंकि मैंने उसको थ्योरी से रिलेटेड से लेकर और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोगों को क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग का अगर यूनिट कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है तो आप लोग प्लीज उस चैनल जो हमारे जो पहले वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको करा है क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग के, वो आप लोग जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं लाइव फाउंडेशन को लेकर चल रही हूँ, लाइव फाउंडेशन के जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं या जो भी आने की संभावना है मैं उनको टॉपिक बाय टॉपिक इसी पेपर के थ्रू कराने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जैसे अगर मैं यूनिट बाय यूनिट पढ़ाऊंगी तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इसके थ्रू ही आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है, चार ऑप्शन थे वो भी मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें आपको लाइव फाउंडेशन के 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 41 क्वेश्चन नंबर का क्या है कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वर्ष में प्रकाशित हुआ था, जो हमारे यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ, 1972, 1949, 1948, 1947। तो देखिए, जो हमारा लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है कब प्रकाशित हुआ, 1949, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पुस्तकालय विज्ञान का पहला कानून जुड़ा नहीं है, जो हमारा पुस्तकालय विज्ञान है, जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 5 लॉज दिए थे उसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा 5 लॉज है उसमें कौन सा कानून नहीं जुड़ा है, लोकेशन का, तो लोकेशन का हमारा जो फर्स्ट लॉ से जुड़ा है, बिल्डिंग का फर्स्ट लॉ से जुड़ा है, और उसके बाद फर्नीचर भी हमारे किससे जुड़ा है, फर्स्ट लॉ से, लेकिन जो हमारा लॉस ऑफ बुक है, यानी जो बुकों का हमारी लॉस ऑफ बुक है, वो हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो 5 लॉस है उसका फर्स्ट जो हमारा लॉ है उससे रिलेटेड नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा लाइब्रेरी साइंस का जो हमारे 5 लॉस है उसमें जो उससे क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं, जैसे आता है कि घंटों से या अधिनियम से, तो वो किस लॉ में आता है, तो वो हमारे सेकेंड लॉ में आ जाएगा। वही अगर एक्सटेंशन सर्विस आ जाए, विस्तार सेवाएं आ जाए, तो हमारे थर्ड लॉ में आ जाएंगी। फोर्थ लॉ में जैसे हमारे ऑनलाइन सीडी, जैसे मतलब शॉर्ट टाइम में जो भी हमारा डिजिटलीकरण होता है वो सारा किस में आ जाता है, हमारा फोर्थ लॉ में। और अगर कोई ज्यादा विकसित की बात की जाए कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है या पुस्तकें बढ़ती रहती हैं, इस तरीके से अगर कोई बाल विकास, वयस्क विकास, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो हमारा फिफ्थ लॉ में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे हमारा सेकेंड लॉ, जैसे हमने आपको क्या बताया कि लोकेशन, आज फर्स्ट लॉ में लोकेशन आ गई, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, फर्स्ट लॉ में हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ कौन सा था, तो हमारा जो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रथम करने वाला हमारा संघ कौन सा था, आंध्र प्रदेश बंगाल पुस्तकालय संघ, दिल्ली पुस्तकालय संघ या बिहार पुस्तकालय संघ। देखिए, आप लोगों ने पुस्तकालय अधिनियम तो पढ़े होंगे, लेकिन ये संघ है, मतलब एसोसिएशन, वो लेजिस्लेशन, ये एसोसिएशन है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा किस में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा शिक्षा जो हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसका प्रथम पुस्तकालय संघ कौन सा था, तो हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इससे क्वेश्चन कुछ रिलेटेड बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 में जैसे हमारा आ जाए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में जो लाइब्रेरी एसोसिएशन था
जो लाइब्रेरी एसोसिएशन था कब प्रकाशित हुआ, तो 1914 में। ठीक है, वही आ जाए बंगाल। बंगाल का भी पूछा गया कि बंगाल का लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो बंगाल का लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया, तो 1925 में। ठीक है, वही आ जाए हमारा कि दिल्ली वाला, कि दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन कब आया, तो हमारा देखिए एक तो 1939 और अगर रिवाइज पूछा जाए तो 1953। ठीक है, 1939 और रिवाइज अगर पूछा जाए कि जो हमारा दिल्ली पुस्तकालय जो संघ है उसका रिवाइज एडिशन कब आया एसोसिएशन का, तो वो 1953 में। ठीक है, वही अगर आ जाए हमारा बिहार पुस्तकालय, बिहार पुस्तकालय संघ, तो बिहार पुस्तकालय संघ इसका कब हो, तो 1936 में। कब, 1936 में। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करना कि जो हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो आप लोग एसोसिएशन को एक बार जरूर रीड कर लेना, तो आपका जो भी एसोसिएशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, एक और जैसे आ जाता है कि आजादी से पहले कितने पुस्तकालय, एक और जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंट जहां जहां से भी बनते हैं वो मैं आपको कराती हूँ। जैसे आजादी से पहले अगर पूछा जाए कि आजादी से पहले जो हमारे कितने राज्यों में पुस्तकालय संघ था, ठीक है, कितने राज्यों में आजादी से पहले, तो कितने राज्यों में पुस्तकालय संघ था, तो वो हमारे कितने था, 6 राज्यों में। ठीक है, कितने राज्यों में, 6 राज्यों में पुस्तकालय संघ था। अब देखिए जी 6 राज्य हमारे कौन कौन से थे, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश 1914, हमारा बंगाल 1925, दिल्ली 1939, बिहार 1936। ठीक है, ऐसे हमारा आ जाता है बड़ौदा 1926, मैं और करा देती हूँ, जैसे हमारा बिहार आंध्र प्रदेश हो गया 1914। एक आता है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुस्तकालय एसोसिएशन, ये कब आया, तो 1921 में। ठीक है, इसी तरीके से आ जाता है कि गुजरात, गुजरात, गुजरात कब आया, तो 1923 में। ठीक है, वही आ जाए हमारा बंगाल, बंगाल को मैंने आपको करा दिया 1925 में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र 1921, गुजरात 1923 और बंगाल 1925। ठीक है, बड़ौदा 1926, उसके बाद बड़ौदा, बड़ौदा कब आया, 1926 में। ठीक है, ये आपको सिक्वेंस याद कर सकते हैं, जैसे हमारा पहला आ जाए तो 1914 में, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ऐसे याद कर लेना आपकी महाराष्ट्र 1921, गुजरात 1923, बंगाल 1925, ठीक है, बड़ौदा 1926, दिल्ली 1939 और उसके बाद बिहार हमारा 1936। इस तरीके से आप लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है हमारा मद्रास, मद्रास 1928, मद्रास, मद्रास, मद्रास कितने, 1928 में। ठीक है, मद्रास 1928 में। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देखो, आपको ऐसे याद कर लेना है कि भारत में पुस्तकालय संघ जो पुस्तकालय भारत के आजाद होने से पहले कितने राज्यों में पुस्तकालय एसोसिएशन था, तो 6 राज्यों में था। 6 राज्य वो कौन कौन से थे, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, बड़ौदा, मद्रास, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए जो हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना यानी आईएलए की स्थापना कब की गई, 1931, 1933, 1936, 1937, यानी हमारे जो लाइब्रेरी एसोसिएशन उसकी स्थापना कब की गई, तो 1933 में। कब की गई, 1933 में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लाइब्रेरी एसोसिएशन है, अगर इसके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी, आई एल ए, इंडियन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, आई एल ए।
अब देखिए आईएलए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारे उसमें पूछा गया था कि आईएलए इफ्ला का सदस्य कब बना था, तो हमारा 1957 में। तो मैं जो भी आईएलए से क्वेश्चन प्रीवियस आ चुके हैं वो सारे मैं कराऊंगी। श्रीकांत श्रीकांत जो बंद है वो बंद हीट पकड़ेगा भाई, बहुत फाइन बंद है वो, लाइट बंद भाई जा, वो तो चली गई है, तुम और आनंद बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1931, 1933, 1936, 1937। तो देखिए जो हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई? 1933। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, अब देखिए आईएलए से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि आईएलए की स्थापना कब हुई, या आईएलए के आईएलए और इफ्ला का सम्मेलन कब हुआ, या इसका सदस्य कब बना, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट में बनते हैं हमारे, तो मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो हुआ था, देखिए स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1933 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई। अगर पूछा जाए कि जो हमारा ऐसी आईएलए है इसका गठन कब हुआ, अगर गठन पूछा जाए तो 12 तो इसका गठन कब हुआ था, देखिए 13 को तो इसका स्थापना हुई थी और 12 को गठन हुआ था। ठीक है, 12 तारीख को गठन हुआ था, कब, तो 1933। ठीक है, 12 सितंबर 1933 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। अगर स्थापना पूछी जाए तो 13 सितंबर 1933 को। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में, मुख्यालय दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए कि हमारा आईएलए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष इसके एजीसी नेट में आ चुका है कि आईएलए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एम ओ थॉमस। ठीक है, वही अगर पूछा जाए कि इसके वर्तमान कौन से अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है, तो वर्तमान अध्यक्ष थे इसके मोहन राम भाव खादरे। ठीक है, मोहन राम भाव खादरे। अगर पूछा जाए कि इसके महासचिव कौन है, जो हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसका जो अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एम ओ थॉमस थे। अगर महासचिव पूछा जाए तो ओ एन चौबे। ठीक है, ये क्या थे, इसके महासचिव थे। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जो हमारा आईएलए है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन प्लस इफ्ला, इनका सदस्य कब बना, तो सदस्य कब बना, तो 1957 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन और हमारा इफ्ला यानी आईएलए और इफ्ला ये क्या बने थे, सदस्य बने थे। कब बने थे, तो 1957 में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसकी आईएलए की प्रथम पत्रिका, इसकी प्रथम पत्रिका पूछी जाए, तो उसका प्रथम पत्रिका थी लाइब्रेरी बुलेटिन। ठीक है, क्या नाम था उसका, लाइब्रेरी बुलेटिन। लाइब्रेरी बुलेटिन इसकी प्रथम पत्रिका थी। जो प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन थी, इसकी पूछी जाए कि इसकी जो मंथली है कि हाफली है कि त्रैमासिक है, तो इसकी क्या है, त्रैमासिक है। इसका प्रकाशन क्या होता है, त्रैमासिक। ठीक है, इसका प्रकाशन कैसा होता है, त्रैमासिक होता है। वही आ जाए कि एक आईएलए न्यूज़लेटर आती है पत्रिका, आईएलए न्यूज़लेटर पत्रिका आती है। जो आईएलए न्यूज़लेटर पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो मासिक में। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैंने जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं इम्पोर्टेंट वो मैं करा रही हूँ। अब जैसे आ जाए कि कुछ इसके इम्पोर्टेंट पुरस्कार होते हैं आईएलए के, वो मैं आपको लिखा है। तो जिसे हमारे कुछ प्रमुख प्रमुख क्या है इसके पुरस्कार, अवार्ड, ठीक है, जो हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है इसके प्रमुख अवार्ड है। इसके प्रमुख अवार्ड जैसे हमारा आ जाए कोला वेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड, कोला वेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड, कोला वेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड, कोला वेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड ये कब आया, तो ये किसका है हमारा आईएलए का है। वही आ जाए हमारा कि गांगुली वेस्ट एकेडमी ऑफ लाइब्रेरी अवार्ड, खाली गांगुली याद कर लेना आप लोग, गांगुली अवार्ड, जो गांगुली अवार्ड है एस एम गांगुली अवार्ड। वही आ जाए हमारा सी डी शर्मा, सी डी शर्मा अवार्ड। एक और आता है हमारा एजी मोटीवाला अवार्ड, एजी मोटीवाला अवार्ड। एक और आता है इसका जैसे पीबी वर्गीस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्या है सब अवार्ड है। ये क्या है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एक बार में कंप्लीट आ, जैसे हमारा कोला वेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड आ जाए कि कोला वेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड किसका है, तो हमारा आईएलए का, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। अगर आ जाए कि एसएम गांगुली अवार्ड, तो एसएम गांगुली अवार्ड जो था वो किसका है, हमारा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। सी डी शर्मा अवार्ड आईएलए का, एज मोटीवाला अवार्ड किसका है आईएलए का, पीबी वर्गीस अवार्ड आईएलए का, ठीक है। तो हमारे आईएलए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आईएलए बुलेटिन इज, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आईएलए बुलेटिन जो थी इसकी क्वार्टरली है, मंथली है, हाफ अर्ली है, ईयरली है। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारी आईएलए बुलेटिन है वो क्या है हमारी क्वार्टरली, मतलब तिमाही, ठीक है, या त्रैमासिक, तिमाही, क्वार्टरली, ऐसे आप लोग किसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। वही अगर आ जाए कि आईएलए न्यूज लेटर, तो हमारी करेंसी मंथली, ठीक है। कुछ आईएलए के आप भी आईएलए से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बनते हैं, किसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोग उस पर नेट पर जरूर सर्च कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा कानून पढ़ने की आदत को बढ़ावा देता है, पांचवा, चौथा, तृतीय या प्रथम। यानी हमारा जो पुस्तकालय लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा रीडिंग हैबिट, यानी जो हमारे पढ़ने की आदत को कौन सा लोग बढ़ावा देता है। देखिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर आ जाए कि जैसे विस्तार सेवा, एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो किसके हैं हमारे। तो देखिए जो हमारा थर्ड लो है, फाइव लोस का जो थर्ड लो है, उसमें हमारा क्या है, रीडिंग हैबिट, हमारा ओपन एक्सेस, सेल्फ अरेंजमेंट या कैटालॉगिंग, या न्यू हमारे जो भी बुक्स होती हैं, या हमारी बुक सिलेक्शन, रेफरेंस वर्क, ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 46 जैसे फाइव लोस का जो थर्ड लो है, थर्ड लो से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। जैसे हमारा थर्ड लो में आ जाए कि थर्ड लो में कौन कौन से, जैसे हमारे इसमें रीडिंग हैबिट का पूछा गया, क्या पूछा गया कि रीडिंग हैबिट किस लो में आती है, तो रीडिंग हैबिट हमारे किस लो में आ जाएगी, हमारे थर्ड लो में, क्योंकि हमारे प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले, तो मतलब कि जो पुस्तक है उसको उसका पाठक मिलना चाहिए, तो रीडिंग हैबिट किस में आएगी हमें, थर्ड लो में। वही आ जाता है कि ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस किस में आता है, तो ओपन एक्सेस हमारे किस में आ जाएगा,
थर्ड लो में, ठीक है, ओपन एक्सेस सिस्टम। वही आ जाए हमारा कि सेल्फ अरेंजमेंट, यानी जैसे अगर कोई यूजर ऐसा है जो डेली अगर बुकों को यूज करता है तो उसको अरेंज भी करे, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सेल्फ अरेंजमेंट में, ठीक है। उसके बाद कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, जैसे हमारा कैटलॉगिंग न्यू बुक अराइव, जो भी हमारी बुकें होती हैं, कैटलॉगिंग न्यू बुक अराइव, देखिए जैसे हमारा कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन अगर आता है, ठीक है, इसमें न्यू बुकों को अरेंज करना, तो वो हमारे इसमें आ जाएगा थर्ड लो में। लेकिन अगर आ जाए कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन या हमारे जो भी टेक्निकल चीजें आ जाए, तो वो आप थर्ड लो ही लगाना, क्योंकि थर्ड लो में मतलब समय की बचत के लिए सारी जो टेक्निकें थी वो यूज की गई थी, ठीक है। हाँ, तो वो हमारे किसमें आ जाएंगे, यहाँ पर कैटलॉगिंग न्यू बुक अराइव। कैटलॉगिंग न्यू बुक अराइव, ठीक है, वो किसमें आ जाएंगे, हमारे थर्ड लो में। अब देखिए एक और जैसे बनता है हमारा रेफरेंस वर्क, रेफरेंस वर्क आ जाए, या हमारी क्या आ जाए वर्क, जैसे सर्विस जो हमारी आती है रेफरेंस सर्विस, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, थर्ड लो। एक एक्सटेंशन सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन सर्विस किस में आती है, तो वो हमारे किस लो में आ जाएगी, हमारे थर्ड लो में आ जाएगी। वही हमारी पब्लिसिटी आ जाए, पब्लिसिटी अगर आ जाती है तो पब्लिसिटी किस में आ जाएगी, हमारी थर्ड लो में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर एक जो भी मैं आपको नोट करा रही है सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। रीडिंग हैबिट थर्ड लो में, ओपन एक्सेस सिस्टम थर्ड लो में, सेल्फ अरेंजमेंट, कैटलॉगिंग इन न्यू बुक अराइव्स, उसके बाद रेफरेंस वर्क या एक्सटेंशन सर्विस या पब्लिसिटी, ये किसमें आती है, हमारे थर्ड लो में आती है, ठीक है। ये किसमें आती है, हमारे थर्ड लो में। थर्ड लो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है, जो हमारा पुस्तकालय है उसमें जिसे हम जो भी लाइब्रेरी होता है, जितनी भी बुकें जिस दिन से बुकों को यूज किया गया है, पहली बुक से लेकर और जो हमारी लगातार बुकें आती रहती हैं, तो उन बुकों को एक एक स्थायी रजिस्टर में लिखा जाता है कि कितनी बुकें इस लाइब्रेरी में है। तो इसमें पूछा गया है कि मुख्य रिकॉर्ड मतलब स्थायी रजिस्टर, ठीक है, तो स्थायी रजिस्टर को हम बोलते हैं एक्सेशन रजिस्टर, उसको हिंदी में बोलते हैं पंजीकरण रजिस्टर। जैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजीकरण रजिस्टर, हमारा क्या एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर आप लोग याद कर लेना कि अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी का स्थायी रिकॉर्ड कौन सा है, तो हमारा एक्सेशन रजिस्टर। अब एक्सेशन रजिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जो एक्सेशन रजिस्टर है उसके कितने कॉलम है, तो 14 कॉलम है। अभी प्रेजेंट में 15 हो चुके हैं, लेकिन वो भी माने नहीं, बाकी जो पुरानी लाइब्रेरी वो उसमें 14 ही कॉलम यूज कर रही है, ठीक है। अगर आ जाए इसका साइज पूछा जाए, तो साइज इसका क्या है, 16x13 सेंटीमीटर में। अगर पूछा जाए इंच में, तो 6x4 इंच में इसका अंकित है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है वो मैं कराती हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में जिसे पूछा गया था कि मुख्य रिकॉर्ड यानी स्थायी रिकॉर्ड, स्थायी रिकॉर्ड, ठीक है, यह हमारा पंजीकरण रजिस्टर, यह एक्सेशन क्या जाएगा, हमारा पंजीकरण रजिस्टर, जिसे हमारा इसमें पूछा गया कि एक्सेशन रजिस्टर।
ठीक है, ये तीन नाम है ऐसे आप कर लेना। स्थायी अगर रिकॉर्ड पूछा जाए तो भी हमारा एक्सेशन रजिस्टर, पंजीकरण रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर, ये हमारे क्या है, लाइब्रेरी का मुख्य रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी का जो मुख्य रिकॉर्ड है, इसका जो मुख्य रिकॉर्ड है किसमें रखा जाता है, तो हमारा एक्सेशन रजिस्टर में। अब एक्सेशन रजिस्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमारे जो एक्सेशन रजिस्टर, इसको क्या बोलते हैं, स्थायी अभिलेख होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्थायी अभिलेख। ठीक है, स्थाई इसको क्या बोलेंगे, स्थाई अभिलेख बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका साइज पूछा जाए कि इसका साइज क्या है, साइज अगर सेंटीमीटर में कहा जाए, अगर देखिए सेंटीमीटर में तो इसका है, सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो इसका कितना आएगा, तो 16 × 13, 16 × 13 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अगर इंच में पूछा जाए कि इंच में कितना है, तो 6 × 4 इंच में है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि इंच में अगर पूछा जाए तो इंच में हमारा 6 × 4 है, सेंटीमीटर पूछा जाए तो 16 × 13 है। ठीक है, अगर इसके कॉलम पूछे जाए कि इसके कॉलम कितने हैं, कॉलम पूछे तो कितने हैं, 14 कॉलम है। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे हमारे इसमें 14 कॉलम में कौन कौन सी पहले आते, तो हमारी पहली तिथि आती है, जैसे मैं आपको लिखा देती हूँ, इसमें 14 कॉलम है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले हमारी क्या आ जाएगी, तिथि आ जाएगी, जैसे हम अपनी तिथि लिखते हैं। दूसरे हमारी क्या आ जाएगी, संख्या, जैसे हमारी जो भी एक्सेशन रजिस्टर की जो भी संख्या है, ठीक है, परिगण संख्या, उसको एक्सेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगी, सेकेंड में। ठीक है, तो रजिस्टर की जो एक्सेसर संख्या है, नंबर, एक्सेसर नंबर की जो संख्या है वो नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, थर्ड में हमारा लिखा जाएगा जो भी हमारा लेखक है, लेखक का नाम। फोर्थ में क्या लिखा जाएगा, फोर्थ में हमारा टाइटल नेम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, टाइटल की, किस टाइटल की बुक है। फिफ्थ में हमारा क्या लिखा जाएगा, प्रकाशन वर्ष। ठीक है, कि किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। सिक्स में पूछा जाए तो सिक्स में क्या लिखा जाएगा, प्रकाशक का नाम। अगर प्रकाशक का नाम नहीं है तो हम उसको छोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर है तो लिखते हैं। अगर ऑथर चार है, जैसे भाई हमने आपको बता ही दिया है कि अगर चार ऑथर होते हैं तो किससे लिखते हैं, उसके टाइटल से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके इसमें भी वही कार्य होता है जो हमारा SER2 में वर्क होता है, इसी तरीके से इसमें भी हम चढ़ाते हैं। देखिए जिसे हमारा उसमें हम नेम, सरनेम, जिस तरीके से हम कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं उसी तरीके से रजिस्टर में, रजिस्टर जो हमारा एक्सेशन रजिस्टर होता है उसमें उसी तरीके से हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसे हमारी आ जाए पृष्ठ संख्या, यानी पेज नंबर। ठीक है, पृष्ठ संख्या आ जाए हमारी, उसके बाद आ जाता है हमारा जिस स्रोत, किस स्रोत से आई, जैसे हमारी कुछ भामाशाह होते हैं या लाइब्रेरी, लाइब्रेरी वाले खरीदते बुक, या प्रिंसिपल ने बुक खरीदी, या मतलब किसी जिस स्रोत से बुक आई है उसका नेम लिखा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा आता है बिल नंबर, कि बिल नंबर कितना है, ये पूछा जाता है जब लाइब्रेरी ऑडिट होती है तब पूछा जाता है। ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे हमारी लाइब्रेरी में जब लाइब्रेरी हर साल ऑडिट होती है तो उसमें यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर आते हैं जो हमारी लाइब्रेरी के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या वर्क चल रहा है, क्या वर्क, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और कितना बजट हो चुका है, इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, अब देखिए आ जाए कॉलम, जो हमारा एडिशन कितना है। ठीक है, एडिशन वर्ष पूछा जा सकता है कि कौन से एडिशन वर्ष है। ठीक है, उसके बाद 11 में हमारा आ जाता है कि हमारा पुस्तक संख्या क्या है, कि जो हमारी पुस्तक है उसकी संख्या क्या है, जो हम संख्या लिखते हैं, जैसे हमारी पुस्तक की संख्या अपना इस, अब देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट और वर्क, कि कुछ होते हैं लाइब्रेरी में सीक्रेट नंबर रखते हैं, मतलब हर एक लाइब्रेरी अपना एक सीक्रेट नंबर रखता है। जैसे सीक्रेट नंबर रखने का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो बुकों को लेकर चला गया, ठीक है, तो पहले तो वो लाइब्रेरी जो अपना स्टंप लगाते हैं वो फर्स्ट पेज पर, और उसके बाद जो भी उसकी पूरी बुक होती है उस पर लगाते हैं, लेकिन पीछे भी लगाते हैं। अगर वो आगे का पेज भी फाड़ देता है, पीछे का भी पेज फाड़ देता है, ऊपर कवर भी चढ़ा लेता है, तो वो क्या करते हैं, सीक्रेट नंबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारी लाइब्रेरी का 31 है, ठीक है, तो हम 31 जो हमारा पेज नंबर होगा उस पर भी एक मोहर लगाएंगे, जिससे उस हर स्टूडेंट को नहीं पता होता है, वो लाइब्रेरी को ही पता होता है जो भी हमारा लाइब्रेरियन होता है, तो वो उससे अपनी बुक को पहचान सकता है, ये उसका बेनिफिट है। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा सेकेंड नंबर हम लाइब्रेरी में क्यों यूज करते हैं, तो इसका मेन कारण भी यही है कि अगर कोई बुक ऐसे है जो खो जाती है तो लाइब्रेरी उसको पहचानने के लिए अपना सेकेंड नंबर रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और जैसे 12 11 हो चुके हैं, 12 में जैसे हमारा वास्तविक मूल्य क्या है, जो पुस्तक संख्या है उसका वास्तविक मूल्य क्या है, उसके बाद हमारा कॉल नंबर, उसके बाद आता है हमारा जैसे खंड संख्या कितनी है, वॉल्यूम, जैसे हमारी कोई पुस्तक है फर्स्ट वॉल्यूम हो चुकी है, अब उसमें कुछ सुधार करना है कुछ ऐड करना है तो हम क्या करते हैं उसके सेकेंड वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी खंड संख्या, ऐसे याद करना है वॉल्यूम नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर आ जाए जैसे हमारे प्रत्याहार संख्या, जैसे हमारा वास्तविक मूल्य हो गया, ठीक है, अगर प्रत्याहार संख्या आ जाए, प्रत्याहार वर्ष, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एक्सेशन रजिस्टर से, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पैकेज लाइब्रेरी गतिविधि में से एक है, जो हमारी पैकेज लाइब्रेरी है, पैकेज लाइब्रेरी गतिविधि में से एक है, कौन सी है हमारी, यानी पैकेज लाइब्रेरी इज आर वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सटेंशन सर्विस, लीडिंग सर्विस, रिसर्च वर्क या रेफरेंस वर्क। देखिए जो हमारा पैकेज लाइब्रेरी होते हैं वो क्या हमारी, जैसे हमारी कुछ एक्सटेंशन सर्विस, एक्सटेंशन सर्विस जैसे हमने आपको बताया कि एक्सटेंशन सर्विस किसमें आती है, हमारे थर्ड लॉ में, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि पुस्तकों को विस्तार, पुस्तकों का विस्तार हो सके, मतलब जैसे हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है तो वो क्या करती है पुस्तकों को बस में रखकर ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर लेकर जाती है जहां पर बुकों का यूज हो सके। ठीक है, तो वो कितनी आती है हमारी एक्सटेंशन सर्विस में। ठीक है, तो वो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, पैकेज लाइब्रेरी का अगला क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, यूजीसी इंप्लीमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हमारा जो यूजीसी था यूजीसी के द्वारा इंप्लीमेंट की स्थापना किसके द्वारा की, 1973 1988 1982 1973। तो जो हमारा देखिए जो हमारा इंप्लीमेंट था, एक देखिए कैलिमनेट, एक इंप्लीमेंट, एक निकनेट, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। तो देखिए हमारा जो इंप्लीमेंट था, इंप्लीमेंट के द्वारा अगर पूछा जाए कि यूजीसी के द्वारा इंप्लीमेंट की स्थापना कब हुई तो 1988 में। ठीक है, अगर रियल वैल्यू पूछा जाए कि इंप्लीमेंट की स्थापना कब हुई तो 1991 में इंप्लीमेंट की स्थापना हुई है। इंप्लीमेंट से मैंने जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने प्रीवियस जो भी 40 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो इंप्लीमेंट की स्थापना से लेकर उसके अध्यक्ष से लेकर उसके प्रोग्राम, कितने प्रोग्राम है, वो सारे मैंने उस टॉपिक में कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को डीप में जाकर पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपका कंप्लीट हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है कि पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकालय के उपयोग के लिए मार्गदर्शक। देखिए जो हमारा फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो पुस्तकालय के उपयोग के लिए मार्गदर्शक, मार्गदर्शक के लिए कौन सा लॉ आता है, तो जैसे मैं आपको बताया कि लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आ जाती है हमारी, फर्नीचर, स्टाफ, लाइब्रेरी का जो आवर्स है वो किसमें आता है हमारा, तो फर्स्ट लॉ में आता है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट लॉ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में मतलब यह पुस्तक उपयोग आता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या क्या मेन टॉपिक्स बनते हैं, जैसे हमारा आ जाए लाइब्रेरी लोकेशन, लोकेशन से रिलेटेड, या हावर्ड से रिलेटेड, या फर्नीचर, या हमारा स्टाफ, ये हमारे किस में आता है, हमारा फर्स्ट लॉ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है कि कौन सी लाइब्रेरी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में काम कर रही है,
देखिए जो हमारी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी कौन कितनी है, तो हमारे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, ठीक है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी कितने पुस्तकालय, तो हमारे चार, कौन कौन से, तो एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। अब देखिए जो एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई है उसको महाराष्ट्र भी बोला जाने लगा है, ठीक है, तो ऐसे भी याद कर लेना आप लोग, क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो पूछा जा सकता है एशियाटिक की जगह पे महाराष्ट्र पूछा जा सकता है। कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये चार हमारी डिलीवरी या बुक के अंतर्गत जो हमारी चार लाइब्रेरी है उनको एक एक प्रति देनी पड़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 से जैसे मैंने आपको दिखाया है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में जैसे हमारे आती है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, डिपोजिटरी लाइब्रेरी। अब देखिए ये जो हमारे डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है किसके अंतर्गत आती है, तो वो हमारी आती है डिपोजिटरी लाइब्रेरी के अंतर्गत। अब देखिए डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किसके अंतर्गत आती है, डिपोजिटरी लाइब्रेरी के अंतर्गत। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1954 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। उसके बाद इसमें संशोधन पूछा जाए कि संशोधन कब हुआ, तो 1956 में इसका संशोधन हुआ, ठीक है, 1956 में इसका क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। अब देखिए पूछा जा सकता है कि जो हमारी डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है इसके अंतर्गत कितने प्रकार की, तो चार जो हमारी इसकी कॉपी होती है, चार कॉपी चार लाइब्रेरी को भेजी जाती है, ठीक है। वो हमारी कौन कौन सी है, तो हमारी फर्स्ट आ जाती है हमारी एशियाटिक सोसाइटी, इसको हम महाराष्ट्र भी बोलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, इसको महाराष्ट्र, उसको हम क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र। इसकी इसको कब से देनी जाएगी, तो हमारी इसको 1804 में, ठीक है। दूसरी आती है हमारी कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई। अब देखिए इसको कब से दिया गया, तो उसको दिया गया था 1890 में। तीसरी आती है हमारी एक हमारी एशियाटिक सोसाइटी, इसको 1804 में, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में 1890 में। हमारी आती है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली है, जो सॉरी राष्ट्रीय पुस्तकालय दिल्ली, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, इसको कब दिया गया, तो 1948 में। कब, तो 1948 में, जब हमारा जो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी और उसके जो पुस्तकालय, जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय किन दो लाइब्रेरी से मिलकर बना था, तो हमारी इंपीरियल लाइब्रेरी और हमारे जो भी पहली कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाकर 1902 में इसको मिलाया गया था और 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया था। एक आती है हमारी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कब, तो 1951 में, ठीक है। ये मेन इम्पोर्टेंट है जो आप लोग याद कर लेना, क्योंकि देखिए जो हमारी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है इसमें केस के अंतर्गत, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई या इसका गठन कब हुआ, तो 1954 में हुआ था। अगर संशोधन पूछा जाए कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का संशोधन कब हुआ, तो 1956 में हुआ। इसकी चार कॉपी जो होती है, इन चार लाइब्रेरियों को एक एक कॉपी देनी होती है। ऐसे जो भी हमारा प्रकाशक है, जो भी हमारा ऑथर है, वो क्या करता है, जब अपनी पुस्तक का प्रकाशन करता है, तो एक एक कॉपी इन चार लाइब्रेरी को देनी होती है, ठीक है। इसमें कोई दंड प्रक्रिया नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो चाहता है तो दी जाती है, जिससे क्या होता है कि लाइब्रेरी बुकें भी बनी रहती हैं और उसका
प्रसारण भी बढ़ता है। तो एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई महाराष्ट्र उसको बोला जाने लगा, तो 1804 में, पुणे में पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई में 1890 में, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता 1948 में, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1991। ये चार डिपोजिटरी लाइब्रेरी है जो हमारी क्वेश्चन बनता है कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी का क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, कौन सी नहीं है, या किसकी स्थापना कब हुई थी, कब से दी जाने लगी, तो सारी इंपॉर्टेंट जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखती है। अब देखिए इसमें जैसे मैंने आपको डिपोजिटरी लाइब्रेरी के बारे में बता दिया है, अब डिपोजिटरी जो लाइब्रेरी है इसमें से क्वेश्चन पूछा गया कि मिलान कीजिए, जैसे नेशनल लाइब्रेरी हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है या हमारी जो नेशनल लाइब्रेरी है, तो जो नेशनल लाइब्रेरी थी हमारी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का दो। तो इसका ए का दो में क्या हो जाएगा हमारा, ए का दो, तो इसी में मिल गया हमारा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, कौन है मेरा पब्लिक 1890, तो देखिए 1890 का बी का चार हो जाएगा, तो देखिए बी का चार है। एशियाटिक सोसाइटी में क्या था 1804, तो 1804 तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे सी का ए हो जाएगा, तो सी का ए है। उसके बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1948 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1951 में। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियमों को प्रतिपादित किया, 1928, 1930, 1932, 1934। जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे उन्होंने फाइव लॉस ऑफ लाइफ साइंस दिया था, उन्हें उसका प्रतिपादन कब किया था। देखिए हमने आपको फाइव लॉ से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें पूछा गया है कि इसका प्रतिपादन कब गया है, तो 1928 में इसका प्रतिपादन किया गया था, सूत्रपात 1924 में किया गया था, और इसका प्रकाशन 1931 में किया गया था, ठीक है। ये जो हमारे फाइव लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, अगर पूछा जाए कि इसका संशोधन कब किया गया, तो 1958 में, ठीक। इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं फाइव लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, इसे हमारा आ जाए फाइव लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पांच सूत्र जो हमारे रंगनाथन ने दिए थे, किसने दिए थे, रंगनाथन ने, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जो हमारे रंगनाथन थे इनका पांच सूत्र में पहला इसका सूत्रापात पूछा है, तो सूत्रापात कब हुआ था, सूत्रापात 1924 में हुआ था। प्रतिपादन पूछा जाए कि इसका प्रतिपादन कब हुआ, तो 1928 में इसका प्रतिपादन हुआ। इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन 1931 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है। ये क्या है, मेन फैक्ट है जो हमारे फाइव लॉस ऑफ लाइफ साइंस के कुछ पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या है कि एवगिला किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो हमारा एवगिला है वो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो जो हमारा एवगिला था ये हमारा इंडियन लाइब्रेरी जो बुलेटिन है इसके द्वारा प्रकाशित किया, यानी शुरू हुआ कब हुआ, तो 1942 में, और 1946 में इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो हमारा जो एवगिला है, एवगिला का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका एवगिला का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। हमारी आईएलए की स्थापना जैसे मैं आपको बता दी 1933 में। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि जो हमारा एवगिला है, एवगिला की फुल फॉर्म क्या है, तो एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इफला, ठीक है। इसमें क्या है कि इसका नाम किसने दिया, तो 1949 से 1953 तक ये जारी रहा, उसके बाद 1955 से इसे भारतीय पुस्तकालय संघ के रूप में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तो मैं फैक्ट लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया हमारा, एवगिला, क्या पूछा गया, एवगिला, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, आईएलए के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। ये क्या हमारा, आईएलए लाइब्रेरी बुलेटिन, आईएलए लाइब्रेरी
आइले लाइब्रेरी बुलेटिन, ठीक है, आइले लाइब्रेरी बुलेटिन कब शुरू हुई, तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1942 से इसकी शुरुआत हुई। अगर पूछा जाए कि बंद कब किया गया, तो 1946 में इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए जो इसका नाम था, जो हमारा एविला था, इसका नाम क्या था, एनास बुलेटिन ग्रंथालय, एनास बुलेटिन ग्रंथालय, एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ आईले, ठीक है, ऑफ आईले, ये नाम क्या दिया गया था, ये नाम दिया गया। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसका चेंज कब हुआ, तो 1949 से लेकर 1953 तक क्या कर दिया गया था, इसको जारी किया गया, ठीक है, 1949 से 1953 तक जारी किया गया। और 1955 से इसे भारतीय पुस्तकालय संघ की एक पत्रिका के रूप में, अगर पूछा जाए कि जो एविला था उसको भारतीय पुस्तकालय पत्रिका के रूप में कब से प्रकाशित किया गया, तो 1955 में इसे भारतीय पुस्तकालय संघ की यानी आईएलए की, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो एक पत्रिका होती है ना, पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया, क्या क्या पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया, ठीक है, हरे बुलेटिन को एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया। अब देखिए इससे क्या बोलते हैं, इसे पुस्तकालय संघ की पत्रिका में प्रकाशित किया गया। अब देखिए इससे कुछ फैक्ट इस तरीके से बनते हैं, अगर पूछा जाए कि हमारा जो एविला है किस संस्था के द्वारा बनाया गया, तो आईएलए के द्वारा। अगर पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या है, तो एनास बुलेटिन ऑफ ग्रंथालय ऑफ आईएलए यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। अब इसको बनाया कब किया, तो 1949 से 1953 तक को इसको जारी किया गया। उसके बाद अगर पूछा जाए 1955 में क्या हुआ, एक हमारे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को एक पत्रिका को प्रकाशित किया गया, ठीक है, जो हमारी बुलेटिन है लाइब्रेरी बुलेटिन, इसको 1942 में बनाया गया, 1946 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से सबसे पुराने पुस्तकालय कौन सा है, जो हमारा सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, तो हमारा एशियाटिक पब्लिक लाइब्रेरी मुंबई, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, यानी जो हमारी सबसे पुरानी कौन सी है, तो आपको पता है कि जो हमारी सबसे पुरानी जो हमारी लाइब्रेरी वो कौन सी है हमारी, तो सबसे पुरानी हमारी कौन सी है, कौन है मेरा, देखिए 1804 में हुई थी हमारी एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, तो एशियाटिक सोसाइटी जो लाइब्रेरी है वो हमारी क्या है, सबसे पुरानी। तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो 1804 में हुई थी। अब इसमें लिख दिया, तो देखिए 1804 एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी स्थापना कब हुई, तो 1804 में हुई थी। पुणे मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जिसे मैंने आपको बता ही दिया था, 1890 में हुई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में हुई थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, तो उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। जब भारत को जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और इंपीरियल लाइब्रेरी को मिलाकर जब इसकी स्थापना की गई, तो उसको 1948 में भारतीय पुस्तकालय नाम दिया गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता, ठीक है, 1948 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है कि आईपीआर स्टैंड फॉर, जो आईपीआर है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार। अब देखिए आईपीआर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि हमारा आईपीआर जो है इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हमारे हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखिए हमारा क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि जैसे हमारा आ जाता है पेटेंट, या हमारा कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, एक आता है हमारा भौगोलिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये हमारे किसमें आते हैं, आईपीआर के अंतर्गत आते हैं। आईपीआर अंतर्गत का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो भी मानसिक रूप से हमारी जो हमारे मन के द्वारा जो भी विचार है, जो भी थिंकिंग है, तो उसको हम आगे बढ़ाकर कुछ रिसर्च करें। तो हमारे जैसे हमने कोई रिसर्च कर दी, कोई बुक लिख दी, या कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया, कोई किसी भी तरीके का अगर हमारे मानसिक उपज है, तो हमारे किसमें आती है, आईपीआर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आईपीआर भी तीन चार प्रकार का होता है, जैसे हमारा पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, भौगोलिक संकेतक हो गए। तो जैसे हमारा पेटेंट, जैसे हमारा फर्स्ट में आता है, देखिए आईपीआर है, इसमें कितने भाग होते हैं, जैसे हमारा आता है, जैसे हमारा आ जाए पेटेंट, आ जाए हमारा पेटेंट, पेटेंट आ जाए हमारा पहला कॉपीराइट, दूसरा कॉपीराइट, कॉपीराइट आ जाए, तीसरा हमारा आ जाए जैसे हमारा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। ठीक है, जो हमारे नेम होते हैं, एक आता है हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, क्या आता है, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट, जैसे हमारा पेटेंट आ गया, तो पेटेंट को कितने, तो 20 साल तक, ठीक है, 20 साल तक हम क्या कर सकते हैं, इसको पेटेंट करा सकते हैं। कोई भी मैंने अगर कोई आविष्कार किया है, तो हम 20 साल तक उसको क्या कर सकते हैं, पेटेंट करा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे नए आविष्कार होते हैं, नए आविष्कार के व्यावसायिक दुरुपयोग से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नए आविष्कार होते हैं, जो नए आविष्कार के व्यावसायिक दुरुपयोग से सरकार के उपयोग से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए किसका यूज होता है, हमारा कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट जैसे हमारे कोई लेखक है, ठीक है, उसे नई क्रिएटिविटी दी या नई व्यवसाय, हमारे जो भी होते हैं कोई पुस्तक लिख दी, कोई बुक हो गई, ठीक है, या कोई सोच हो गई, तो अगर आ जाए कि ये जो हमारे लेखक है उनको कितने, तो 60, ठीक है, 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहता है। अगर आ जाए कि विदेश में यानी अमेरिका में, तो 70 वर्ष तक, ठीक है। अगर आ जाए कि अगर दो दो लेखक हैं, अगर आ जाए कि दो लेखक हैं, तो हमारा कितने जाएगा, तो 50 साल, ठीक है। ये मेन फैक्ट आते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारा आ जाए कि कॉपीराइट अगर किसी लेखक ने कोई बुक लिखी है, तो वो कितने साल तक, तो 60 साल तक। अगर विदेश में पूछा जाए, तो 70 वर्ष तक। अगर लेखक दो है, तो उसमें 50 साल तक, ठीक है। वही आ जाए हमारा ट्रेडमार्क, जो हमारा ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क में क्या होता है, कोई हमारे जैसे कोई पालेजी हो गया, कोई सिंबल हो गया, जो मैंने अपनी फैक्ट्री, मैंने जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यापारी है जिसने कोई नई खोज की, जिसमें उसने अपना अलग से लोगो बना लिया या कुछ सिंबल बना लिया, तो उस सिंबल या लोगो का कोई अन्य उसका उपयोग ना कर सके, मतलब दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए वो क्या करता है, उसका कॉपी, उसका क्या बनाता है, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ट्रेडमार्क किस लिए होता है, जैसे हमारा नेम हो गया, सिंबल हो गया, नेम हो गया, उसके बाद सिंबल हो गया, ठीक है, नेम हो गया, सिंबल्स हो गए, वो किस में आते हैं, हमारे ट्रेडमार्क है। और भौगोलिक संकेतक मतलब होता है जो हमारे यूनिवर्सल होते हैं, यूनिवर्सल, जैसे हमारे राजस्थान, तो राजस्थान में अलग भौगोलिक है, या यूपी में अलग भौगोलिक दशा है, एमपी में अलग, सबका अलग अलग भौगोलिक संकेतक होता है, इस तरीके से आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आईपीआर है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आईपीआर से रिलेटेड। जो हमारा आईपीआर है, जो आईपीआर है, आईपीआर में किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अगर इसका आर्टिकल पूछा जाए, तो आर्टिकल 27 के अंतर्गत आईपीआर आता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। अब देखिए जो हमारा क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन राइट होती है उसके द्वारा, अब देखिए
जो आईपीआर है, ये क्या मस्तिष्क की रचनाएं होती हैं, हमारे क्या होती है मस्तिष्क की रचना, यानी मानव मस्तिष्क की रचना। ठीक है, अब देखिए, इसको माइंड याद कर लेना, पेन नहीं चला। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जैसे हमारा आईपीआर मैजा कि इसमें भारत में इसको कब लागू किया गया, आईपीआर को भारत में कब लागू किया गया। अगर भारत में पूछा जाए तो उसको भारत में 1856 में, 1856 में आईपीआर को भारत में लागू किया गया था। कब किया गया? तो 1856 में। ठीक है, अब देखिए अगर पूछा जाए कि जो ब्रिटिश पेटेंट लॉ है कब स्थापित हुआ, तो 1852 में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे। ठीक है, तो आईपीआर से रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मनी डिजिट हैव इन आईएसएसएन, जो हमारा आईएसएसएन है उसमें कितने डिजिट यूज होते हैं, 10, 8, 13, 15। तो जो हमारा आईएसएसएन है इसका अगर पूछा जाए कि इसकी कितने डिजिट है, तो हमारी 8 डिजिट है। ठीक है, आईएसबीएन का पूछा जाए तो हमारी 13 है। ठीक है, अब देखिए जो आईएसएसएन है हमारा, आईएसएसएन को इसको प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए कब, तो इसमें देखिए पी के लिए आ जाएगा आईएसएसएन और ई के लिए हमारा आ जाएगा, दो प्रकार के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होते हैं, ई आईएसएसएन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें संख्या 0 से 9 तक मैं कुछ लिखा इंपोर्ट कर, जैसे हमारा आई आई एस एस एन, क्या है हमारा आई एस एस एन। ठीक है, आई एस एस एन को 1971 में क्या हुआ था, जो हमारा इसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। आप देखिए अगर पूछा जाए कि ये कितने अंकों का कोड होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं अंक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सभी मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक की पर पहचान करने के लिए उपयोग किया है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग अगर पूछा जाए कि जो आईएस, इसमें स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा आईएसएसएन है ये क्या होता है, जो हमारे सभी प्रकार की जो मीडिया होती है, यानी हमारी मीडिया प्रिंट और मीडिया प्रिंट और हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें होती हैं उनकी पहचान के लिए, ठीक है, उनकी पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए जो हमारा आईएसएसएन है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये कितने अंकों का होता है, 8 अंकों का होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मीडिया मीडिया प्रिंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो भी हमारे होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए आईएसएसएन को बनाया गया था। अब देखिए जैसे आईएसएसएन जो था हमारा, ये हमारा पूछा जा सकता है कि जो आईएसएसएन है उनको 1971 में किस मानक, अगर इसका मानक पूछा जाए कि जो हमारा आईएसएसएन है इसका मानक क्या है, अगर इसका मानक पूछा जाए यानी स्टैंडर्ड नंबर मानक, अगर आईएसएसएन का मानक पूछा जाए तो मानक क्या है हमारा, इसका मानक क्या है, तो आईएसओ आईएसओ 3297, आईएसओ 3297 2007। ठीक है, ये क्या है, इसका आईएसएसएन नंबर है।
अब देखिए अगर पूछा जाए कि आइंस्टीन को 1971 में कब विकसित किया गया, तो 1971 में विकसित किया गया। वर्तमान में जो हमारा आइंस्टीन है इसको प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए जो हमारा वर्तमान में अगर हम आइंस्टीन यूज करते हैं तो इसमें किसके, देखिए एक तो हमारे प्रिंट के लिए, तो प्रिंट के लिए क्या करते हैं ISSN, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए करते तो क्या करते हैं ISSN, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके भाग कितने होते हैं, अगर भाग पूछा जाए कि भाग कितने होते हैं तो दो भाग होते हैं। अगर इसकी संख्या पूछी जाए कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, या 10 तक, ठीक है, यानी 10 तक जो हमारा रोमन नंबर है। भारत में जो आईएसएसएन है इसको देने वाले कौन थे, जो आईएसएसएन है उसको देने वाले कौन थे, तो निस्केयर, ठीक है, निस्केयर जो संस्था है उसके द्वारा भारत में ये दिया गया। कब दिया गया, तो 1886 में क्या हुआ, इस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी 1886 से आईएसएसएन के द्वारा प्रदान किया जाता है। आईएसएन जो है निस्केयर के, जो आईएसएन है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, निस्केयर के द्वारा, कब से, तो 1886 से प्रदान किया जाता है। जिस तरीके से हमारा आईएसबीएन है, इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो उसमें क्या है, वो हमारा आरआर जो राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसी तरीके से हमारा ये निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, सॉरी क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, लाइब्रेरी मूवमेंट भारत में कब शुरू हुआ था। लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, 1900 या 1910 या 1911 या 1915, तो 1900, देखिए जो हमारा लाइब्रेरी मूवमेंट, अगर मूवमेंट पूछा जाए कि हमारा लाइब्रेरी मूवमेंट भारत में कब से, देखिए जो हमारे सयाजी राव गायकवाड़ जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट के लिए क्या किया था, प्रयास किया था, तो मूवमेंट कहा जाए तो 1910। अगर पूछा जाए कि उन्होंने किसको सबसे सर्वप्रथम लाइब्रेरी संगठन पत्रिका कौन देने वाले थे, तो डब्ल्यू बोल्डन थे, कब थे, तो 1911 में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इज इन व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जो हमारी औपचारिक स्व शिक्षा है किस प्रकार के लाइब्रेरी में संभव है। तो देखिए हमारी जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी पब्लिक लाइब्रेरी में आती है। अगर आ जाए फॉर्मल एजुकेशन, तो देखिए फॉर्मल एजुकेशन का मतलब ये होता है जो हमारी शिक्षा प्रदान की जाती है कॉलेज स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है, हमारी नेशनल लाइब्रेरी हो गई, स्पेशल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी हो गई। जबकि हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरी मतलब सभी के लिए, तो ऐसे याद कर लेना कि सभी के लिए होता है तो उसको इनफॉर्मल बोला जाएगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है। तो निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक कल्चर एंड इंटरनेट रिस्पांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेट रिसोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कल्चर। देखो ना, तो कल्चर आएगा, ना ही इंटरनेट आएगा, ना ही हमारा रिस्पॉन्स आएगा, ये क्या जाएगा, ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। जो भी हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्स होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए हमारे क्या निस्केयर, निस्केयर को 2002 में स्थापना हुई थी हमारी, ठीक है। तो निस्केयर की स्थापना कब हुई थी, तो हमारी 30 सितंबर 2002 में मुंबई में स्थापना हुई थी, ठीक है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को आज इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अगले की जो भी वीडियो बनेगी, हमें क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के पश्चात हमारा आईसीटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मैं आईसीटी के उसके इन्फॉर्मेशन ट्रैवल या लाइब्रेरी ऑटोमेशन या लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो मैं इंक्लूड कराऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।